समय डिजिटल लर्निंग का है और भारत के 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज IITs में से एक IIT बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम लेकर आया है आपके लिए, दैट इज इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार। भारत सरकार के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने अपना स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम निकाला है। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम बाय IIT बॉम्बे, जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर कोर्सेस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी सॉफ्टवेयर की मदद से सीख सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर IIT बॉम्बे ने फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज किया है और उन्हीं का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशंस होता है। जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं जावा, नेटबीन्स, एंड्रॉयड, लिब्रे ऑफिस, फ्रंट अकाउंटिंग जो टैली का एक सब्सिट्यूट होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बैश, HTML, PHP, MySQL, Python, C, C++, Blender, Inkspace, न जाने कितने ही सॉफ्टवेयर कोर्सेज IIT बॉम्बे अब आपको कराएगा अपने स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के जरिए, वो भी घर बैठे। जी हाँ, अपने घर बैठे लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशंस में भी आप IIT बॉम्बे के सर्टिफिकेशन कोर्सेज घर बैठे कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं एक ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद। ये पूरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और IIT बॉम्बे बहुत ही कम कॉस्ट में आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जिनके थ्रू आप अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं। ये कोर्स करने के लिए CSE स्किल्स एकेडमी जो है, जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का CSE कॉमन सर्विस सेंटर एक डिवीजन है, उसका जो CSE एकेडमीज है उनको अप्रूव्ड सेंटर बनाया गया है। अप्रूव्ड सेंटर के पास में ऑर्गेनाइजर और इनविजिलेटर, ये दो लोग होते हैं जो आपकी पूरी ट्रेनिंग और पूरे एग्जामिनेशन की प्रोसेस को देखते हैं। जब आप अपना एनरोलमेंट किसी CSE सेंटर के साथ में कराते हैं और IIT स्पोकन ट्यूटोरियल, IIT बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के अंदर आप एक कोर्स चुनकर उसके लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आपके स्किल सेंटर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपके पास IIT बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल की टीम से आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाता है। अभी मैं सिस्टम पे पूरी प्रोसेस वो आपको दिखा के चलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोर्सेज कि कौन कौन से कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको खरीदने की जरूरत नहीं होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे पूरी ट्रेनिंग IIT बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के थ्रू आप ले सकते हैं। सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखा के चलता हूं कि किस तरीके से आप स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, पहले वो चीज हम देखते हैं। एंड हियर इज द स्क्रीन गाइज एंड यू कैन सी द टोटल कोर्सेज अवेलेबल अंडर स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रोजेक्ट। एंड यू कैन सी द फर्स्ट कोर्स इज लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस आप काम करना सीख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं IIT बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल के थ्रू। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया जा सकता है। राइटर आप सीख सकते हैं कैलसी, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ, मैथ, मैथ मैथमेटिकल ऑपरेशन का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को और मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉफ्टवेयर के थ्रू सीख सकते हैं। PHP, MySQL, IT वाले लोग बहुत अच्छे से इन कोर्सेज को समझ रहे होंगे। सी, C++, जावा, नेटबीन्स, पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनालिटिक्स के लिए काम आने वाली पाइथन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। Skylab की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेटेक्स है, ओपन फॉर्म है। ओपन फॉर्म यूजुअली जो सॉफ्टवेयर है, देखिए इनमें सारी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है दैट कंपनीज लाइक ऑडी, टाटा स्टील, सॉरी फॉक्स वैगन एक्सेट्रा हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, मतलब उन कंपनीज में सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है। किस लिए? ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक बार्स आर मेकिंग यूज ऑफ दीज फ्री सॉफ्टवेयर। ये मैकेनिकल, ये जो ओपन फॉर्म आपका सॉफ्टवेयर होता है ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। नाम भी बता रहे हैं IIT बॉम्बे वाले कि ऑडी, आपका टाटा स्टील, फॉक्स वैगन, काफी सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। सो व्हाई कांट यू टेक द ट्रेनिंग फॉर दिस? ऑस्कैड, फायरफॉक्स, जिम्प, जिम्प फोटोशॉप की तरह सॉफ्टवेयर एक होता है जिसमें आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। क्यू कैड का सॉफ्टवेयर, इट इज एग्जैक्टली द सब्स्टिट्यूट फॉर कैड, कैड का, ऑटो कैड का सब्स्टिट्यूट आपका क्यू कैड होता है। ब्लेंडर, 3D एनिमेशन के लिए ब्लेंडर यूज किया जाता है। रूबी, पर्ल,
जेमोल एप्लीकेशंस, सेल डिजाइनर्स, जी कैम पेंट, ये इंकस्पेस, बैश, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज आपके पास, बायो पाइथन, जावा बिजनेस एप्लीकेशंस, के टर्टल, के ये पूरे के पूरी लिस्ट है, भरमार है पूरी लिस्ट की स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर आईआईटी बॉम्बे जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है। फ्रंट अकाउंटिंग आप देख सकते हैं, टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग वाले लोग जो टैली सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, फ्रंट अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर का ही एक सब्सिट्यूट है। टैली सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर आता है, तो इसलिए कंपनी स्विच कर रही है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसमें फ्रंट अकाउंटिंग बहुत अच्छा एक टूल है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो टैली की सारी फैसिलिटीज, सारे ऑप्शंस रखता है। Avogadro, Drupal, DWSIM, ये है केमिकल इंजीनियर्स के लिए, केमिकल इंजीनियर्स के लिए एक सिमुलेटर है पूरा सॉफ्टवेयर का, इसकी ट्रेनिंग भी आपके पास अवेलेबल है आईआईटी बॉम्बे के थ्रू। UCSF कैमरा, ये आप देखें, हालांकि आईटी से रिलेटेड मुझे नजर नहीं आ रहा है। दिस इज एकेडमिक पोजीशन इन केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग टीचिंग एज वेल एज R&D। ओके, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर ये है, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने, आईटी के कोर्सेज, केमिस्ट्री के कोर्सेज, बायो के कोर्सेज, और आईटी के तो काफी कोर्सेज अभी मैंने आपको C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, कोटलिंग लैंग्वेज के थ्रू एंड्रॉइड, आर्डुइनो, ये आपका इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले लोगों का जो सॉफ्टवेयर है। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स की पूरी लिस्ट है आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल के पास, और ये सारे के सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इनमें से कोई भी एक कोर्स या मल्टीपल कोर्सेज आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, कोर्सेज इतने कॉस्ट इफेक्टिव है कि कुछ कोर्सेज तो सिर्फ 250 रुपीज में अवेलेबल है। जी हाँ, बहुत ही सस्ते कोर्सेज आईआईटी बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर आपके पास अवेलेबल है। एक बार सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं कि इन कोर्सेज को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता कौन सा है, कैसा वो सर्टिफिकेट आपका दिखता है। I'm gonna show you the certificate also. And here is the certificate. See the certificate. This is the certificate that is given to some of the candidate. That is spoken tutorial project IIT Bombay logo, CSC Academies logo with the signature of Professor Kanan from IIT Bombay. ये certificate आप लोगों को मिलता है। The certificate says this is to certify that Nisha Singh has successfully completed introduction to computers test organized at CSC Academy Center. This is the ID of the centers by Dr. Vipin. This is the name of the organizer. With course material provided by Spoken Tutorial Project IIT Bombay, passing an online examination conducted remotely from IIT Bombay. Definitely certificate अगर आपको लेना है तो IIT Bombay की टीम एक रिमोट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसमें पूरी मदद हम, मतलब ऑथराइज सेंटर आपकी करेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे इस एग्जाम को दे सकते हैं। प्रोक्टर्ड एग्जाम होता है और एग्जामिनेशन के लिए इनविजिलेटर्स भी होते हैं जो ऑनलाइन आपको वॉच करते हैं और आप घर से ही एग्जाम दे सकते हैं। इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग, नीरा वर्मा एट CSE अकेडमी सेंटर, सेंटर आईडी, इनविजिलेटेड दिस एग्जाम, मींस द नेम ऑफ द इनविजिलेटर विल आल्सो बी मेंशनड ऑन योर सर्टिफिकेशन। This training is offered by the Spoken Tutorial Project IIT Bombay, funded by National Mission on Education through ICT Ministry of Education, Government of India. जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर IIT Bombay का स्पोकन ट्यूटोरियल का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, इतने कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में IIT Bombay के इतने एफिशियंट कोर्सेज आप नहीं सोच सकते थे पहले, जो अब IIT बॉम्बे ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोला जाता था, उनके साथ मिलके आपको लाके दिए हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट रजिस्टर करता है। देखिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यहां मैं आपको बता के चलना चाहूंगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट अप्रोच करता है CSE अकेडमी को, जो ऑथराइज्ड रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सेंटर है आईआईटी बॉम्बे स्पोकन ट्यूटोरियल का। आप इस ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, अपना ई ब्रोशर मंगा सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। CSE एकेडमी के ऑर्गेनाइजर आपसे आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, जेंडर और आपकी फोटो, बस इससे ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। आईटी बॉम्बे कोर्सेज को करने के लिए आपको कोई आधार कार्ड नहीं देना होता है, आधार कार्ड का नंबर नहीं बताना होता है, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल एड्रेस, आपका एक फोटो, आपका जेंडर, नाम, इन्हीं बेसिक चीजों के साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
सीएससी एकेडमी सेंटर्स जब आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे की टीम से आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक मेल आएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता चलेगा। वहां से आप अपना नया पासवर्ड सेट कर पाएंगे और नए पासवर्ड के साथ में स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर आप लॉग इन करके अपना पूरा कोर्स देख पाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस पूरी प्रोसेस में सीएससी स्किल्स एकेडमी आपकी पूरी हेल्प करते हैं और दो लोग, एक ऑर्गेनाइजर और एक इन्विजिलेटर, ये आपकी पूरी ट्रेनिंग और पूरी एग्जामिनेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंचाने में। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, सिस्टम पे चलते हैं और एक बार देखते हैं कि लॉग इन कैसे करते हैं आप स्पोकन ट्यूटोरियल के पार्ट पे। एंड दिस इज द वेबसाइट स्पोकन ट्यूटोरियल डॉट ओ आर जी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आप सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट डैशबोर्ड। यू नीड टू गो टू दिस स्टूडेंट डैशबोर्ड। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, इट विल आस्क यू योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, दैट विल बी सेंड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। एंड हियर यू नीड टू सप्लाई योर ईमेल आईडी, दैट इज एक्चुअली योर यूजर नेम। योर ईमेल एड्रेस इज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, व्हाट एवर यू सेट। ईमेल में आपको आपका एक डिफॉल्ट पासवर्ड दे दिया जाता है जिसको आप चेंज करके अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यहां पे उस पासवर्ड के साथ में आप लॉगिन करेंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है एंड वी क्लिक ऑन साइन इन बटन। वंस वी क्लिक ऑन साइन इन बटन, इट विल टेक यू टू द स्टूडेंट डैशबोर्ड। जिस भी कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड होते हैं वो कोर्स यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख जाता है। ऑनगोइंग टेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। पास्ट ट्रेनिंग, ये कैंडिडेट जो पास्ट ट्रेनिंग ले चुके हैं वो पास्ट ट्रेनिंग आपको यहां पर विजिबल हो जाती है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की पास्ट ट्रेनिंग हो चुकी है मार्च में इन कैंडिडेट्स की, और पास्ट टेस्ट, इन्होंने एग्जाम भी दे दिया है तो पास्ट टेस्ट भी अवेलेबल हो रहा है। 100% मार्क्स आए हैं और सर्टिफिकेट यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। अभी जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया है, इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको मिलता है इस कोर्स को करने के बाद। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। अब यहां पर एक बात यह आती है कि सर स्टडी कैसे करेंगे। जब आप किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर कराते हो, जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उसमें आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स ने एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस में वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। जी हां, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपने सी, सी प्लस प्लस इस कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सी, सी प्लस प्लस की कोर्सेज की कंप्लीट वीडियोस अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वाले ऑप्शन जहां मैंने आपको दिखाया था उसी पेज पे आप रहेंगे और ऑल कोर्सेज का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यू कैन चेक ऑल द कोर्सेज अवेलेबल हियर। सपोज मैंने यहां से कोर्स सी एंड सी प्लस प्लस कोर्स मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया है, एंड यू डू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट द लैंग्वेजेस। एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, हिंदी का भी है, आपका एसमीज का भी है, बंगाली लैंग्वेज का है, गुजराती है, कन्नड़ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मुझे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आती है और हल्की फुल्की पंजाबी, तो मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी का ऑप्शन भी, आप हिंदी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आल गो विद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट करते हैं। वी गो फॉर दिस सर्च ऑप्शन, क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन, इट विल शो मी ऑल द वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर दैट। और आप यहां से अपने पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर पाएंगे। यहां से सारी वीडियोस दे रखी हैं, सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से काम करना है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रोग्राम्स को रन करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस पूरा ट्यूटोरियल दिया गया है। अब यहां पे एक इशू और एक प्रॉब्लम कुछ विद्यार्थियों की आ सकती है जो थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कि सर हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं रहती है तो हम ये ट्यूटोरियल ऑनलाइन देख नहीं पाएंगे। सीएससी एकेडमी जहां पे आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है, हम लोग आपको ऑफलाइन पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं ऑन द सेम फी स्ट्रक्चर। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। मतलब अगर कोई कोर्स सिर्फ 250 रुपीज का है तो 250 रुपीज में आप उस कोर्स को रजिस्टर कराएंगे और सीएससी स्किल सेंटर आपको पूरा कंटेंट, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड करके आपको भेज देगा। आप उस वीडियो ट्यूटोरियल को एक ही बार डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं या अपने मोबाइल पर रख सकते हैं और फिर बिना इंटरनेट के ही उन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। मान लीजिए आधे घंटे का आपका एग्जाम होगा तो उस असेसमेंट की ड्यूरेशन में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आप एग्जाम अपने मोबाइल फोन पर भी दे सकते हैं और लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है उस पर भी एग्जाम दिया जा सकता है।
सीएससी अकेडमीज आपकी मदद करती है सेंटर पर आकर एग्जाम देने के लिए भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है तो जिस सीएससी अकेडमी से आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है उस सीएससी अकेडमी से आप अप्रोच करें और सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर ऑर्गेनाइजर आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम का पूरा सेटअप करने में। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंतजार करने के लिए कोई दूसरी वजह है। आईआईटी बॉम्बे के इतने बेनिफिशियल कोर्सेज अब आपको मिल रहे हैं। इन सारे के सारे कोर्सेज में आप अपनी पसंद का और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करें, अपने आप को एनरोल करें। एनरोल करने के लिए नंबर मैंने आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया जाएगा। आप नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए डिटेल्स भी मंगा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी और प्रोसेस जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आईआईटी बॉम्बे के इन सारे कोर्सेज को करके अपने रिज्यूमे को थोड़ा हैवी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के सर्टिफिकेशंस अब आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में, मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 250 रुपीज में भी कोर्स अवेलेबल है, 500 रुपीज में तो इतने सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, और 500 रुपीज से ऊपर के कोर्सेज बहुत कम है, मतलब 250 रुपए से और 500 रुपए के बीच के बहुत सारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपको आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएंगे। राइट, ऑर्गेनाइजर और इनविजिलेटर, इनकी भूमिका अहम है, इन्हीं के नाम भी आपके सर्टिफिकेट पे आएंगे, क्योंकि यही सेंटर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और यही आपकी ट्रेनिंग और पूरे कंप्लीट असेसमेंट की प्रोसेस में आपको मदद करेंगे। तो अब जल्दी से अपने एनरोलमेंट करा डालिए इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, जो भी कोर्स आपका पसंद आए, और जो भी डिटेल चाहिए उसके लिए मुझे बताइए, कमेंट्स में भी आप लिख दीजिए, कमेंट्स में आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। जो भी जानकारी आपको स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोग्राम के बारे में चाहिए, बिल्कुल आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।